आपका भाई जो है अच्छा खासा ला चुका है, देखो पूरे कपड़े कैसे मैं जो है पूरे कपड़े जो है गिरी हो गए। अभी यही का भाई जो है थोड़ी सी हल्की हो गई, लेकिन फिर मुबारक को रोटी तो जल गई है इस रोड पे, पूरे रोड पे देखो। लेकिन अब पता नहीं सारे रोड कब डालेंगे, अभी सारे रोड डाल दें तो फिर साला ये है कि बारिश वारिश में थोड़ी इतनी परेशानी होगी, वरना गड्ढों की वैसे परेशानी होती थी। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। इससे पिछले वाला व्लॉग जो देखा था आपने, वो देखा था कि मैं लेकर आया था एक नए मेहमान, दो ऑस्ट्रेलियन तोते और एक इतना बड़ा सा पिंजरा, ठीक है जी। तो अभी स्कूल आ गया है सामने, स्कूल से फारिग होते हैं फिर बताता हूँ बाकी का क्या सीन है। अभी मैं एकदम से घर पे आया हूँ तो मैंने कहा मौसम देखो कैसा हो रहा है भाई। ओ भाई साहब ऐसा कोई ख़तरनाक मौसम हो रहा है ना, तो मैंने कहा चलो मैं आपको पहले मौसम दिखा दूँ। स्कूल से जब आया तो ना ऐसी आंधी चली है, अभी 5 मिनट पहले तो ऐसी गंदी वाली आंधी चली है, फिर ये एक मोटी मोटी बूंदे जो आना शुरू हो गई हैं। अब नीचे चलते हैं हमारे तोते को देखते हैं तोते का क्या हाल है। जब मैं सुबह जा रहा था तो मैंने आपको कहा था कि आज के ब्लॉग में, इस ब्लॉग के अंदर हम लोग करेंगे कि वहाँ से बाबा चाचा के घर पर जाएँगे वहाँ पे सामने, और वो जो आपको बड़ा वाला पिंजरा नज़र आ रहा है बाबा चाचा घर पे वहाँ सामने, वहाँ से जो है वो अपनी जो मिट्टी की जो दो कुलियाँ हैं ना, एक कुलियाँ लेके आ जाएंगे। बाकी जो है ना मैं सोच रहा हूँ जो हमारे पिंजरे के अंदर जो दायरा है जहाँ पे वो बॉक्स रखते हैं जहाँ पे परिंदे ब्रीडिंग करते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ वो बॉक्स लेकर आएंगे, उस बॉक्स के अंदर करेंगे। ओह तेज़ हो गई, आप देखो तेज़ हो गई बारिश ना, अब बिल्कुल बारिश जो है वो तेज़ हो गई है। फिलहाल अभी अपने तोतों को देखते तोतों का क्या हाल है जा रहे हैं, वो भी अंधेरे में बैठे हुए हैं। मौसम जो बिल्कुल एकदम अंधेरा वाला मौसम हो गया, बिल्कुल आंधी चली ना बिल्कुल अंधेरे वाला मौसम हो गया, बिल्कुल काला हो गया आसमान। वो देखो आपको बारिश के बाद आएगी, अब मोटी मोटी बूंदें गिरना शुरू हुई है, ये देखो अब मोटी मोटी बूंदें जो है वो गिरना शुरू हुई हैं। आवाज़ सुनो बस, ऐसा लग रहा है ओले गिर रहे हैं। ओए 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 ओए, अबे हाँ सच्ची में ओले गिर रहे, दोबारा ऊपर छत पर चलते हैं भाई। ये देखो ओए ओए मोटी मोटी बूंदें हो रही हैं, ये देखो अल्लाह करे 2-2.5 घंटे 3 घंटे तक लगातार हो जाए ना, तो जो अभी 1 हफ्ते से जो गर्मी पड़ रही थी ना वो ठंडी, वो गर्मी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, मौसम जो है वो ठंडा हो जाएगा दोबारा से, लेकिन वो मुझे पता है होगी नहीं। 5 मिनट के लिए होती है बस, देखो अभी 1 मिनट भी पूरी नहीं हुई, 1 मिनट के लिए होगी फिर रुक जाएगी, फिर होगी फिर रुक जाएगी। अगर लगातार 2-2.5 घंटे के लिए हो जाए ना ऐसी मोटी मोटी बूंदे बारिश, तो फिर ये कि मौसम जो है वो ठंडा हो जाएगा हमारा। अभी नीचे चलते हैं तोतों के पास अपने, बारिश के चक्कर में ऊपर दोबारा ऊपर आ गया, तोतों को दिखाते हैं तोतों को हमारा क्या हाल है बेचारों का। बेचारे रात से सुबह से देखो भाई अंधेरा हो गया, तो मुझे फ्लैश लाइट खोल के तुम लोगों को दिखाना पड़ रहा है। देखो हमारे तोते, ये रहे हमारे तोते। अबे यार अब तुम लोगों को नज़र आएगा, सही से नज़र आए ना, तो देखो हमारे तोते जो है माशाल्लाह सही है, पूरा भर के गया था माशाल्लाह, थोड़ा बहुत जो इन लोगों ने खा लिया है, पानी जो है वो थोड़ा बहुत ही पिया है बस पानी। तो कल रात से सुबह जो है रात से हम लोग लेकर आए थे ईशा के टाइम 9 बजे, तो रात को मैंने कहा था इनके पास खाना, तो रात को कुछ भी नहीं खाया। अभी जब मैं सुबह स्कूल डाल के गया था तो इन्हें थोड़ा बहुत खाना शुरू करा है, क्योंकि रात से तो सेट नहीं थे, जब सुबह इनको पता चला कि हमारा जो नया घर है वो यही है, ये पूरा हमारा नया घर है, हम यहीं रहेंगे, ये हमारा पूरा नया घर है, ये हमारा नया पिंजरा है, तो उसके बाद जो है सेट होना शुरू हो गए थे। अभी ये कि बारिश की आवाज़ बहुत तेज़ आ रही है, तुम लोगों को मेरी आवाज़ भी बहुत स्लो आ रही होगी, तो बस अभी नहावाते हैं, नमाज नमाज पढ़ते हैं, दो तो वैसे बदलने वाले हैं। अब बारिश हो रही है, अब्दुल्ला को मैं पढ़ाने नहीं जाऊँगा, देखते हैं फिर क्या करते हैं, फिर वहाँ पर जाएंगे चाचा के पास, बारे पिंजरे में कुलिया उतार देंगे, ठीक है जी। नहीं प्यारी माशाल्लाह बारिश हो रही है, दिल चाह रहा है बस मैं नहा लूँ, बस मैं नहाने जाता हूँ वहाँ पे जो है ना, शहरोज़ भी वहाँ पे नहा था तो मुझे बोला आ रहा है कि ना आ जाओ तुम भी नहा लो, मैंने कहा यार दिल तो चाह ही रहा है तो थोड़ा सा नहा लेते हैं, उसके बाद फिर जो वो कुलियाँ उतारेंगे, ठीक है जी। माशाल्लाह मैं चाह रहा हूँ 2-2.5 घंटे तक मज़ेदार वाली बारिश हो जाए, फिर ना मौसम ठंडा हो जाएगा। चलो भाई आपका भाई जो है अच्छा खासा ला चुका है, देखो पूरे कपड़े कैसे मैं जो है पूरे कपड़े जो है गिरी हो गए। अभी यही का भाई जो है थोड़ी सी हल्की हो गई, लेकिन फिर भी हो रही है। अब मैं सोच रहा हूँ कि नहाओ नहीं नहाओ, ऐसी ठंड लग रही है, ऐसी कुत्ते वाली ठंड लग रही है, इतनी मोटी मोटी बूंदें आ गई ना कि बस अब बस 5-10 मिनट के लिए नहाते हैं, उसके बाद देखते हैं फिर क्या होता है। 1 hour later चलो भाई अभी असर की अजान हो रही है, असर की अजान हो चुकी है, और मैं बस अभी हिमांशु वहाँ पे चलते हैं बाबा चाचा के घर पे, वहाँ से जो है ना वो अभी भी देखो मुसलसल जो है ना वो बारिश हो रही है हल्की फुल्की, अभी हल्की हो रही थी, मैंने कहा मैं वहाँ पे जाके कुलिया उतारता हूँ तो तेज़ शुरू हो गई है, इतनी हो रही है कि मैं गीला हो जाऊँगा। बस चलते हैं वहाँ पे हिमांशु को निकालते हैं, सीढ़ी भी उतारनी है वहाँ से और कुलिया भी लेके आते हैं, बहुत मुश्किल काम है, पहले वहाँ से ईंटें हटानी पड़ेंगी पिंजरे के पास से, उसके बाद से उसके अंदर फिर पिंजरे में जाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत शूट कर लेंगे फिर दिखाते हैं क्या होता है। कुलिया मिल गई हमारी, अब ये है, अब यहाँ पे मेन पंखा ये, यहाँ पे ये इतनी सारी चुप कर रही है, ऐसा ना हो मैं अंदर जाऊँ, सारी अंदर ही मैं ऊपर चढ़ी है। वैसे मैंने यहाँ से ईंटें वगैरह तो सारी हटा दी है,
हिमांशु को बोलूँगा तू पकड़ पहले यहाँ से। अंदर भी छुपकली है यार, तीन चार इतनी सारी, बहुत सारी छुपकली अंदर नज़र आ रही है। बस छुपकली है ना सारी ऊपर चढ़ जाती है ना, मसला सारा ये है पंगा। चलो मैं कुलिया निकालता फिर दिखाता हूँ आपको। कुलिया निकालने में हम लोग कामयाब हो गए देखो। अबे तो अब पूरे अंदर अंडे को अंडों के छिलके पड़े हैं अंदर। और चलो भाई, और ये पिंजरा जो है ना हम दोबारा बंद कर देते हैं ताकि बिल्लियाँ वगैरह अंदर ना जाए, मैं तो वो बच्चे दे देंगे अंदर जाएंगे ना। तो इसका काटा कहाँ है? ये रहा इसका ताला, माई चरा का ताला है ये। चलो जी, अब ना बिल्ली जा सकती है ना बिल्ला जा सकते, छोटे वाले का भी लगा दो, छोटे वाले के अंदर से भी नहीं जाएगी। ठीक है जी, अब हिमांशु को देते हैं ये, पकड़ भाई। इन दोनों पे झाड़ मारते हैं, इनको साफ़ करते हैं। अगर ये वाली नहीं आई ना तो फिर वो चकोर जो बॉक्स होता है ना वो लेंगे। अभी सीढ़ी उतारनी है। हेलो बॉयज, पिंजरा हम लोगों ने निकाल लिया है। ठीक है जी, पिंजरा बोल रहा हूँ, कुलिया हम लोगों ने निकाल ली और हिमांशु ने बड़ी चमका दिए हैं। जाले वाले जो लगे हुए थे ना, अभी हम लोग छत पे आ गए, छत पे इन कुलियों को धोया है। अभी इनको ना मैं ऐसा करता हूँ कपड़ों से सुखाता हूँ ताकि ये जो है हमारे तोतों के रखने के काम आ जाए। तो अभी हिमांशु जो है वो मेरा थंबनेल लेगा। हमने थंबनेल लेने के लिए बेसिकली छत पे आए और कुलिया लगाने, क्योंकि नीचे ना जगह नहीं है ना, हम लोग बैठ नहीं सकते। तो ये जो कि खुला हुआ ऐसा होता है जहाँ पे बच्चे बोल रहे हैं तोते जो है ब्रीडिंग करते हैं, जो यहाँ पे एक चकोर सा बॉक्स लगता है। तो मैं सोच रहा हूँ बाद में जब पैसे वैसे आएंगे ना तो जो कुलियों की जगह है ना, अभी तो फिलहाल एक दो हफ्ते के लिए कुलियों की जगह कुलिया लगा देते, फिर इनका ना एक चकोर सा बॉक्स आता है यहाँ पे भी। चकोर सा ना पूरा बॉक्स आता है, वो पूरा यहाँ होता है। तो ये ना ये जो हिस्सा है, ये दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा खुला हुआ होता है, बस वो बॉक्स यहाँ पर ढक जाता है। उससे ना क्या बोलते हैं तोते जो ना वो फिर बॉक्स के अंदर आके ना रात में सो जाते हैं। फिर ब्रीडिंग जो बच्चे बच्चे जो अंडे अंडे जो करने होते हैं ना वो भी उसके अंदर डब्बे के अंदर करते हैं, बॉक्स के अंदर करते हैं। तो अभी ये कि हिमांशु मेरा थंबनेल लेगा और मैं ऐसे ही बैठ के तस्वीर खिंचवाता हूँ, देखते हैं ऐसे जो तस्वीर हमारी आती नहीं आती। चलो हिमांशु के देखते हैं ऐसे हमारी तस्वीर आती है, फिर मैं स्क्रीन शॉट जो ना वो लगा दूँगा बराबर में। तो थंबनेल लेने के लिए बेसिकली हम लोग ऊपर आए थे और इनकी कुलियाँ लगाने के लिए। ठीक है जी, पता नहीं कैसी आई है कैसी नहीं, दिखाइए भाई। तो हिमांशु दिखाएगा, पता नहीं इसमें फोकस सही हो रहा नहीं हो रहा। बस अभी हमने बहुत सारी पिक्चर्स ली है, वो हिमांशु के मोबाइल से लिए, मेरे मोबाइल से भी लिए। तो अभी हमने ऐसी पिक्चर्स लिए हैं, ये बहुत तंग कर रहा है, ये जो तोता है ना ये बहुत तंग कर रहा है। और फिर भाई साहब इतनी ज़ोर से इसने मेरे यहाँ पे काटे, वैसे चुभन हुई है बस इतनी, कोई जैसे सुई चुभती है ज़ोर से बस वैसी चुभन हुई है। लेकिन इतनी तेज़ इनकी जो चोंच है इतनी तेज़ साली, और नाखून वो तो शुक्र है मैंने ये मोटे वाले दस्ताने पहने थे, इनसे इनको पकड़ी तस्वीर खिंचवाई उन्होंने बाहर निकलवा के। तो बस अभी ये करते हैं कुलिया लगाते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करते हैं। फिर कुलिया लगाने के बाद फिर थोड़ा बहुत इनके साथ खेल लेंगे, इनको तंग करेंगे, फिर व्लॉग इन करेंगे। ठीक है जी, चलो बॉयज चालू कर दी। चलो बॉयज, कुलिया जो है वो हमने अंदर रख दी है। ठीक है जी, और हमारे तोते भी माशाल्लाह जो है वो अब खुश रहेंगे। अब उम्मीद है कि एक हफ्ते बाद यार देखते हैं। अबे डंडी का इतनी वो जंग खा गई, देखो टूट ही गई है। हम दूसरा जुगाड़ करते, दोबारा वापसी बाहर निकलना पड़ेगा, मसला ही हो जा रहा है, दिमाग ख़राब। तो देखो भाई, इस बारिश के बाद जो है वो हमारा रेनबो आ चुका है बिल्कुल बारीक सा, तुम लोगों को कैमरे में नज़र आ रहा है। कैमरा जो है वो हमारा कम मेगापिक्सल का है। तो देखो ये जा रहा पूरा, वो वहाँ तक जा रहा है, तुम लोगों को दिखाऊँ कहाँ तक जा रहा है, वो जा रहा है। ओए होए अभी कितना बड़ा बना यार इस दफ़ा, ये सेकेंड टाइम मैंने देखा है, फर्स्ट टाइम भी इधर ही बना था मेरे ख्याल से, जब पापा वगैरह भी थे, जब भी पहले बहुत बारिश हो रही थी, जब भी ना यहाँ पे पापा वगैरह सब चरपाई वगैरह बैठे चाय पीने आए थे बेसिकली, हम लोग ऊपर जो है ना चाय पीने आए थे जब उस टाइम। तो जब भी ना यहाँ पे उस टाइम भी यहीं पे उस टाइम उस यूँ सीधा बना था, अब जो है ना ये क्रॉस में बना है, इस बिल्डिंग के पास बना था पिछली दफा जो है, तो अब जो है ना ये क्रॉस में बना। तो मैंने सेकेंड टाइम अपनी ज़िंदगी में रेनबो देखा हूँ बारिश के बाद, मैंने पहले कभी देखा, पहले देखा था 5-6 साल पहले शायद मेरे ख्याल से। तो अब ये सेकंड टाइम रेनबो बना है हमारा इधर, देखो कितना बड़ा बना यार, पहले तो छोटा बना था, इस तरह से वो बहुत बड़ा रेनबो बना है। देखो इसके अंदर घुमा दो, याद रखो रुक जा पकड़ भाई। चलो बहुत अच्छा दे रहा है गिरने के बाद। एक होगा DSLR बन जाएगा। तो तार इतना मोटा है ना, दिमाग खराब, अंदर ही घूम ही नहीं रहा था ना, वो हल्का सा अंदर जाके बात रखा। अरे अल्लाह बहुत मुश्किल है भाई। डगी भाई के लोग वीडियो डालने के डगी भाई मर गया।
पता नहीं कहा ब्लॉग नहीं बनाना आज ही बोल रहा मैं जिंदा हूँ। अब तुम लोगों को कैसे विश्वास दिलाऊँ मैं कि मैं जिंदा हूँ है? बोले कोई बोल रहे मेरे को घर से बाहर निकाल दिया, कोई बोल रहे मेरी बेगम छोड़ के चली गई, अब मेरे को इशारा एक कॉल आ रहा है कि भाई जिंदा हो। क्योंकि टूर पे से आया हो दादा, बीमार बीमार हो गया मुझे लग रहा है। लो भाई एक और दिमाग खराब हो गया, वो प्लास से हमने मोड़ा, लो जी वो भी टूट गई, जो मोटी वाली थी ना वो भी टूट गई भाई। अब एक और जुगाड़ लगाते, कुछ ना कुछ करते हैं इसको ना लगाएंगे इसके अंदर, ताकि जो हमारे ऑस्ट्रेलियन तोते हैं प्यारे प्यारे से, ये रात तो कुलिए में सो सके। हाँ इसी को बांध दो यार, दिमाग ख़राब हो रहा है, बहुत मोटा तार है। हाँ डबल कर दो, डबल करके इसी के अंदर घुसा के फिर बांध दो इसको, कम से कम हाथ से मुड़ तो रहे ना वो। इसके अंदर से डालने के बाद चलो जी, जो ये वाला तारा वहाँ लगा ना इसी को हमने निकाल लिया दूसरी वाली कुलिए के अंदर से। अब सिर्फ ये एक हफ्ते के लिए मैं लगा रहा हूँ, फिर जो वो चौका वाला बॉक्स आता है ना वो उसमें इतनी पंचायत नहीं होती, वो उसके बस यहाँ पे कूटा लगा हुआ होता है यहाँ पे, उसको बस जाके रखा दो, वो पूरे पिंजरे के ऊपर सेफ हो जाता है बस। ये कुलियों के अंदर ना बहुत मुश्किल पंगेबाजी होती है लगाने के लिए ना, तार लगाओ मोड़ो लगाओ, फिर उनकी जो इनका ऊपर का ढकना भी आता है वो भी नहीं है अभी हमारे पास, बेचारे ऊपर से हवा आएगी जब भी ये लेटेंगे रात में। चलो दिखाओ मैं अंदर डालूँ, पकड़ भाई। फाइनली हमारी कुलिया जो है वो लग चुकी है। दिमाग ख़राब इतनी पंगेबाजी के बाद, इसका हमने तार निकाला, वो जो मोटी वाली तार लेके आए थे इसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, अगर ये लग जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा पक्का काम हो रहा था। बस ये एक दो हफ्ते तक हम चलाते हैं ठीक है जी, और हमारे तोते देखो, चलो ना जाओ ना उधर उड़ो ना, चलो कुलियों में जाओ, चलो कुलियों में जाओ। अभी इतने ज़ोर से काटा था इन लोगों ने हाथ में, मेरे उंगली पे सारे लाल हो गई थी। डंडी लगा दो, अब डंडी लगाते हैं ठीक है जी। चलो भाई मानसो वहाँ से डंडी लगा, ऊपर लगा देते डंडी ना, यहाँ पे लगा दे मानसो डंडी, वहाँ से लगाओ। और मौसम देखो कितना मासेला प्यारा हो रहा है, रैम्बो जो है वो जा चुके हैं, क्योंकि बाबाजार आ चुके हैं, मगरिब का टाइम होने वाला है। क्या टाइम हो रहा है मैं ज़्यादा टाइम देख लूँ आपका, तो 38 हो रहे हैं बस। इस ब्लॉग को इतना रखते हैं, आई होप आपको ब्लॉग पसंद आएगा, ब्लॉग पसंद है तो लाइक कर देना, एंड चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। ये छोटा सा ब्लॉग था हमारा कुली लगाने का, कुली हमने लगा दी, अब एक हफ्ते तक इनको लगे रहेंगे, फिर जब पैसे वगैरह होंगे थोड़े बहुत तो वो जो पूरा प्रॉपर जो बॉक्स होता है ना वो ला के मैं लगा दूंगा। बस मिलते हैं क्या किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।